जरा कहाँ चले? अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं, वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे आप, चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या, चुनावी चटकारे तो खूब हैं, सुनते जाइए। सांची में हर जुबान पर है ये सवाल कि क्या वाकई इतनी आसानी से मान गए मुदित शेजवार? सांची विधानसभा सीट पर गौरी शंकर शेजवार ने बरसों बरस कमल खिलाया, प्रभुराम चौधरी को हराया और फिर जब पुख्ता हो गई जमीन तो मैदान में बैठे मुदित को दौड़ाया। ये अलग बात कि मुदित चुनाव हार गए, लेकिन शेजवार क्या इतनी आसानी से अपनी बनी बनाई जमीन चौधरी के हाथों में जाने देंगे? 22 लोग काफी वरिष्ठ लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सरकार आज बनी है। जनता परेशान थी, इतना बड़ा कदम उन्होंने अपना उठाया, निर्णय लिया, ये भी बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं उन सबको टिकट मिलने की संभावना है, पार्टी से भी हमें ऐसा ही अभी तक निर्देश मिले हैं। गौरी शंकर शेजवार और प्रभुराम चौधरी की मेल मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। कहा यह गया कि मान मनोबल की हैं ये तस्वीरें, लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखाई कहां देता है और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। तो क्या मान लें कि सांची में सब कुछ ठीक ठाक है? हालांकि कार्यकर्ताओं ने तो मुदित के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ये कार्यकर्ताओं का स्नेह है, पर देखिए भारतीय जनता पार्टी हम बहुत अलग पार्टी विद अ डिफरेंस जिसे कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनी है। हम लोग पार्टी के जो नियम कायदे हैं और जो डिसिप्लिन है हमारी पार्टी में, उससे कोई बाहर जाता नहीं। गौरी शंकर शेजवार और प्रभुराम चौधरी ने एक दूसरे के खिलाफ 6 चुनाव लड़े हैं। इस तस्वीर में हाथों में हाथ लिए इन दोनों नेताओं की तस्वीर बीजेपी के लिए तसल्ली की तस्वीर हो, लेकिन जनता तो इस तस्वीर पर भी सवाल उठाएगी। ये हकीकत है अगर तो पिछले 30 साल चली सियासी रंजिश क्या थी? सांची में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।